जय श्री राधे। पूज्य राधा बाबा कहते हैं कि इस मन से ही तो लड़ना है, इसी में बहादुरी है। इससे कहिए यार, अनादि काल से तेरे कारण मैं श्री कृष्ण से बिछड़ा हुआ हूँ, पर अब श्री कृष्ण की कृपा से तुझे मैं श्री कृष्ण के पास ले जाकर निहाल कर दूंगा, स्वयं भी निहाल हो जाऊंगा। यह न करके आप मन का कहा करेंगे तो यह अभी आपको भवन देखने के लिए कहता है, फिर बाजार देखने को कहेगा, फिर दुकान संभालने के लिए कहेगा। भैया, इस पर तो शासन करना ही होगा। हाँ, चतुराई से, जैसे यह आपको धोखा देता है वैसे ही चतुराई से आप इसे बांध लीजिए। जब यह बहुत अड़ जाए कि मैं तो अमुक चीज देखूंगा ही और वह पाप की बात ना हो तो इसे प्यार से दिखा दीजिए, पर उसके साथ ही किसी न किसी रूप में श्री कृष्ण को भी जोड़े रखिए, जिससे उस वस्तु का जहर का असर ना हो। अत्यंत प्रेम से कहता हूँ, कोई बात अनुचित हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रेमवश कह रहा हूँ कि खूब तत्परता से नित्य वस्तु में मन डुबाइए, नहीं तो सच मानिए इतना पश्चाताप हो सकता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल गांठ बांध कर रख लें। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि के सिवा यदि मन कुछ भी चिंतन करता है तो समझ लें कि घाटे का कोई हिसाब ही नहीं है। अभी हमें पता नहीं लगता, अभी चेष्टा नहीं होती, पर इंद्रियां मरने के समय इतनी व्याकुल हो जाती हैं कि बिना अभ्यास के भगवान में मन स्थिर होना बड़ा ही कठिन होता है। अतः जीवन का शेष समय पूरा श्री भगवान में लगाइए, बड़ी तेजी से रास्ता काटिए, नहीं तो परिवार, धन, जन में कहीं मन फंसा रहा और मृत्यु हो गई तो जीवन बिल्कुल व्यर्थ ही हो गया समझिए। हाँ, एक बात है कि निराश नहीं होना चाहिए। कभी किसी दिन एक क्षण में ऐसी घटना हो जाएगी कि बस उस रस समुद्र में बह जाइएगा। उसमें यह नियम नहीं है कि धीरे धीरे ऊंचा उठते उठते तब होगा। कभी किसी दिन हठात कोई ऐसी कृपा की आंधी आएगी कि उड़ाकर बिल्कुल जमीन से हटाकर रस के समुद्र में ठीक बीच में ले जाकर आपको पटक देगी, जहां से फिर लौटना असंभव होगा। किनारे रहे तब तो फिर शायद पीछे भी लौटें, पर आंधी इतनी दूर उड़ा ले जाएगी कि फिर जमीन का छोर छोर भी दिखना बंद हो जाएगा। श्रीमद् भागवत में 3 उपाय कहे गए हैं। पहला, ऐसी कृपा होने की बाट देखते रहें। भगवान को पाने के 3 उपाय। पहला, ऐसी कृपा होने की बाट देखता रहे कि अब हुई, अब हो जाएगी, अब दर्शन हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, अरे इस महीने तो दर्शन हो ही जाएंगे, इस वर्ष में तो निश्चय ही दर्शन हो जाएंगे, हो ही जाएंगे। इस प्रकार प्रतिक्षण, जिस प्रकार एक दरिद्र दिवालिया जुए की बाजी जीत जाने की बाट जोहता है और सौदा करता ही चला जाता है, वैसे ही भगवत कृपा की आशा में अपने पास है सब फूंकता चला जाए, समस्त वस्तुओं को भगवत प्रेम के लिए जलाकर कृपा की बाट देखता रहे। यहाँ के जुए में तो जीत चाहे ना भी हो, पर वह भगवान की कृपा तो आप पर होकर रहेगी। आपने सब कुछ भगवान के लिए त्यागा है, इसलिए आप पर भगवान की कृपा होगी ही। भगवान की कृपा की इस बाजी में तो अपनी जीत होगी ही। दूसरा उपाय, जो सुख दुख आकर प्राप्त हो जाए उसे खूब प्रसन्नता से ग्रहण करें, यह समझकर कि हमारा ही तो किया हुआ है। तीसरा, हृदय से, वाणी से, शरीर से निरंतर भगवान को नमस्कार करते रहें। हाँ, जो इस प्रकार जीवन बिताता है उसे मुक्ति तो उत्तराधिकार में के रूप में मिल जाती है और भगवत प्रेम भी उसे मिल ही जाता है। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य राधा बाबा कहते हैं कि इस मन से ही तो लड़ना है।